नमस्कार मित्रों, नमस्कार 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 दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वैसे मैंने सुना है कि आप लोग काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सुना नहीं है वो कमेंट से पता चलता है। मैं सुनूंगा कहाँ, कमेंट से पता चलता है। और मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि लोग हमारे साथ, इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग जुड़ेंगे, लेकिन इतना प्यार मिला, इतने सारे लोग जुड़ गए कि मुझे करने की, जो कहते हैं ना कि करने की क्षमता और उमंग और जुनून, वो सब हमारा बढ़ गया। इसलिए मैं लगातार वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप सीख जाएंगे दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, जिनका जिनका भी गाना थोड़ा भी निकलने लगे, वो बहुत से कमेंट्स आए हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ सर, एक लाइन दो लाइन अब धीरे धीरे निकलने लगा है, जिससे आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, और हम दोनों मिलकर, हम सभी मिलकर ज्यादा बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी तक तो आप कर ही रहे थे स्वर ज्ञान और गाना निकालना, और बहुत दिनों से मैंने फिंगर नहीं बताया था। आज मैं सोचता हूँ कि थोड़ा फिंगर का एक नया तरीका बता दूं, जिससे फिंगर आपकी यूं ही एकदम पानी की तरह रनिंग कर सके। तो इसलिए मैं एक बिल्कुल अलग स्टाइल की, और वो फिंगर, ये जब आप फिंगर चलाएंगे ना तो काफी अच्छा, ये फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा आपको काफी अच्छा लगेगा। जब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे तो लगेगा एक बड़ा अच्छा काम हो गया, और जब आप गाना बजाएंगे ना तो उसमें क्या होगा कि ऐसा करने में आराम होगा। देखिए, तो ये फिंगर को ऐसे चलाने में काफी आराम मिलेगा दोस्तों। तो मैं उसी तरह का लेसन मैं आपको एक बता रहा हूं, आप इसको देखिए बड़े ध्यान से, और अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार हमेशा करता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इसे कैसे करें, क्या लेसन है। तो दोस्तों आइए देखिए, करते कैसे इसको हम लोग, कि एक लेसन है। देखिए, चीज वही होता है, सब वही है, हम सब लोग वही करते हैं, लेकिन होता क्या है, करने का तरीका, उसको समझने का तरीका, समझाने का तरीका। अब देखिए, चावल वही है, कोई उसकी बिरयानी बना देता है, कोई पुलाव बना देता है, कोई चावल ऐसे ही बना लेता है, जो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप उसी चीज को कैसे बनाते हैं वो मायने रखता है कि कैसे बनाना है। तो यहां वही चीज है कि प्रैक्टिस उसी चीज की कैसे करनी है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, आप करते होंगे, एक लेसन है, अलंकार है, सारे ग रे, रे ग म ग, ग म प म, म प ध प, प ध नि ध, ध नि सा नि, नि सा रे सा, समझ गए, सारे ग रे, एक सेट हुआ, सेम चीज रे ग म ग, यानी जहां यहां से शुरू किया हमने और एक बीच में आकर रुक गए, सारे ग रे, रे ग म ग, ग म प म, म प ध प, प ध नि ध, ध नि सा नि, फिर नि सा रे सा। फिर उसी तरह दोस्तों वापस लौटेंगे तो सा नि ध नि, सेम पैटर्न, नि ध प ध, ध प म प, प म ग म, म ग रे ग, ग रे सा रे, रे सा नि सा। अब देखिए, अगर इसको सिंगर जो सिंगिंग सीखते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, सा रे ग रे, रे ग म ग, ग म प म, इस तरह से करेंगे, ठीक है। या उनको बजाने का मन करेगा तो ऐसे इस तरह करेंगे, ठीक है।
अब देखिए, अभी हमने कहा था कि चावल वही है, यानी कि अलंकार वही है, लेकिन करने का तरीका अलग है। अगर आप लोग को अगर अलंकार ये मिल जाए तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हर कोई करता है। देखिए इसको करेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ फिंगर प्रैक्टिस करनी है। और देखिए फिंगर कैसे आएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, चार का सेट बना लेते हैं, हर एक को चार बार, कैसे देखिए, है ना, सारे गरे एक, सारे गरे दो, सारे गरे तीन, सारे गरे चार। तो देखिए चार हम लगातार करते हैं, एक ये तरीका हुआ करने का, ये भी तरीका हुआ करने का। लेकिन अब देखिए मैं दूसरा तरीका बताता हूं, अलग हो गया ना ये, फिर से देखिए तीनों, यानी सारे गरे रे गा मा गा गा मा पा मा, ठीक है। और जब गाने के लिए करेंगे सारे गरे रे गा मा गा गा मा पा मा, ये गाने वालों के लिए हो गया। और फिंगर को अगर रनिंग लाना है, दौड़ाना है, पानी की तरह चलाना है, तो देखिए क्या करेंगे, सब को चार चार कर देंगे, सारे गरे को चार बार, रे गा मा गा को चार बार, गा मा पा मा को चार, सबको चार बार। तो देखिए मैं कर दिखाता हूँ थोड़ा, ये हो गया असेंडिंग में। और वही क्रम में लौटने में वही काम कर रहे हैं, कैसे, सानी धानी, इस फिंगर से करने से ज्यादा आराम होता है। है ना, यहां से जब लौटेंगे आप ये फिंगर नहीं रखेंगे, इसमें फिंगर से फंसेगी, तो करेंगे तो ऐसा। अगर प्रैक्टिस आप करते हैं डेली, इस सेट को पांच बार छह बार करते हैं, तो क्या होगा, जब आप कोई भी गाना बजाएंगे तो क्या हो जाएगा कि देखिए क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगर को बिल्कुल पानी की तरह चलाने के लिए, बिल्कुल हवा की तरह दौड़ने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप कुछ भी कीजिएगा, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिंगर ये इस तरह का होने लगेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एकदम आपके लेसन को करने से दोस्तों फिंगर बिल्कुल बहुत अच्छी चलने लगेगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनों को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो इसको आगे अपने दोस्तों को ही बढ़ाइए, जो भी म्यूजिक से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, आपको पसंद आता हो तो आप शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, नमस्कार।